मेरे नहायत ही काबिल एहतराम मेरी लीडर मेरी कायद मेरी सदर और सेनेटर नुसरत सादिक साहबा मेरे बहुत ही प्यारे भाई सबका एमएलए और सबका जिले नाजम हमारा बड़ा प्यार मोहब्बत था आपस में जब जिले नाजम थे राजा जवेद इखलास साहब इब्रार वारसी साहब शायद शराज साहब साकिब साहब और हमारी जिले की सदर शोभा खवातीन की सदर सबका एम एल ए आसिया तनोली साहबा सबका एम एल ए निसार तनवीर साहबा सबका एम पी ए तहसीन फवाद साहबा जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मेंबर जिला कौंसल सबका हमारी जनरल सेक्रेटरी नाम भी बोलिए नवीदा सदी साहबा शाजिया साहबा और निशाद बेगम साहबा बाकी मेरे भाइयों को काफ़ी सारे के नाम रह गए मलक फियाज साहब और फारूक वासी साहब का मैंने नाम दिया है इब्रार वासी और तैयब कुरैशी साहब और मेरी सामने बैठी बबर शेमी और गुजर खान के मीडिया के जितने भी मेरे भाई हैं मैं समझती हूँ कि गुजर खान का मीडिया सबसे आगे रहा हमेशा हर काम में तो सबको अस्सलाम वालेकुम एक शेर के साथ मेरी इब्तिदा मेरी इंतहा तेरे नाम से रब्बे किब्रिया जिसे चाहा तूने नवाज दिया नहीं है तेरे करम की इंतहा मैं क्या करूंगी तेरी सना से तू शहनशाहों का शहनशाह फकत वह इतना जानती हूँ वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा आज मेरी जिन बहनों को ओहदे मिले हैं मैं उन सबको दिल के तागराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ देखिए जब ये ओहदे दिए जाते हैं तो ये एक जिम्मेवारी आपको सौंपी जाती है आज आप शाजिया रिजवान के शाजिया सुल्ताना बाटर और शमशाद बेगम के आप दस्तेबाजू हैं और ये दस्तेबाजी आसिया तनोली के आसिया तनोली और हम सब दस्तेबाजू हैं नुजत सादिक साहब के और अपने कायद अजीम कायद की बेटी मरियम नवाज शरीफ के तो ये ओहदे की जिम्मेवारी जो होती है ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है ओहदे लेकर अंदर नहीं बैठना होता है आप महंगाई का दौर है आटा महंगा है चीनी महंगी है दवाइयाँ महंगी है मरना महंगा है जीना महंगा है तो आज आप लोगों ने जिस वक्त ये हमारी बहनें कार करें उस वक्त आपने इनके शाना बशाना घरों से निकलना होगा क्योंकि अब घरों में बैठने का टाइम नहीं है हमने इस सिलेक्टेड को भगाना है और मियां नवाज शरीफ को इंशाल्लाह ताला लाना है आप सब हमारे दस्तेबाजू हैं और हमारे भाई राजा जवेद इखलास साहब इस इलाके की इस हल्के की बड़ी इनकी खिदमात है जब जिला नाजम रहे उस वक्त भी अब जब एमएलए रहे और हमारे मिनिस्टर भी रहे अल्लाह ताला इनको जल्दी सेहत दे और अल्लाह ताला हमारे कायद को सेहत तंदुरुस्ती दे और उन्हें अल्लाह पाक सुरखरू करे एक मैं नारा लगाऊंगी और सब ने जवाब देने क्योंकि तालियों में भी मेरे ख्याल में आप भूख तो नहीं लगी हुई तालियों की आवाज भी आई वजीर आजम वजीर आजम जरा जोर से बोलो है कायद हमारा ना झुकने वाला ना बिकने वाला कोई आके देखे टकरा के देखे एक चढ़ता सूरज सूरज की किरने मरियम नवाज शरीफ तेरी आवाज मेरी आवाज तेरी आवाज मेरी आवाज बेगम नुसरत सादिक साहबा राजा जवेद इखलास साहब आसिया तनोली साहब मेरी तमाम बहनें बबर शेमी जिंदाबाद